नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड पंचायत चुनाव में गुमला के घाघरा में पंचायत चुनाव के बहिष्कार को लेकर साटा पोस्टर, पुलिस ने किया जब्त। गुमला जिला के घाघरा प्रखंड मुलिया के खेले के टाना भगत कॉलेज और ब्लॉक चौक स्थित चरवाहा विद्यालय में बुधवार को असामाजिक तत्वों ने पर्चा चिपका कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई, पुलिस दल बल के साथ पहुंची और दोनों पर्चा को उखाड़ कर थाना ले गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पर्चा में जनादेश नहीं बंधारण ग्राम सभा सर्वोपरि है। न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका का शक्ति हमारे हाथ में चाहिए। जनादेश एक लोकतंत्र है, यानी कि लुटेरों का तंत्र है, जैसे कई बातें पर्चा में लिखी गई थी। साथ ही निवेदक के पूर्व JJMP सदस्य के नाम लिखी गई है, साथ ही कई लोगों का नाम व मोबाइल नंबर भी दिया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से तैयारी पूरी, जारी किया गया दिशा निर्देश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से संचालित मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 12 मई यानी आज से शुरू होगा। इस बाबत जैक सचिव महीप कुमार सिंह ने मूल्यांकन कार्य को सुगमता पूर्वक और कदाचार मुक्त वातावरण में संचालित करने के लिए सभी मूल्यांकन केंद्र निदेशक को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा बल के क्रियाकलापों को मॉनिटरिंग की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि आपकी अनुमति के बिना वह मूल्यांकन केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करें। झारखंड नगर पालिका सेवा संघ के लिए निकली वैकेंसी, जाने कैसे करेंगे अप्लाई। झारखंड की हेमंत सरकार ने नगर पालिका सेवा संवर के लिए बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली है। इस सेवा संवर में सरकार की ओर से विभिन्न अराजपत्रित पदों के लिए 914 रिक्तियों में कर्मचारियों की बहाली होगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थी 30 मई से लेकर 29 जून की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। 2 जुलाई की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। वहीं फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर समर्पित आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 5 जुलाई की मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले संवैधानिक संस्थाओं की मदद से सत्ता हथियाना चाहती है। झामुमो व कांग्रेस ने महंगाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनले ने कहा है कि आज झारखंड सहित पूरे देश में महंगाई चरम पर है। मध्यम वर्ग की कमर भाजपा अपनी नीतियों से तोड़ चुकी है, लोगों की थाली से निवाला छीन गया है। ऐसे समय में भाजपा लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा जैसे मुद्दों को लाकर जनता को उसके बुनियादी सुविधाओं से भड़का रही है। झारखंड से राज्यसभा जताएगी कांग्रेस, झामुमो को याद दिलाएगी अपना वादा। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के हिस्से के रूप में कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सीट पर दावा करने के लिए पूरी तरह तैयार है और अपने प्रमुख सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपने उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए कहेगी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि गठबंधन धर्म के रूप में उन्हें इस बार हमारे उम्मीदवार को मैदान में उतारने में हमारी मदद करनी चाहिए। आगामी जुलाई माह में होने वाले द्विवार्षिक चुनाव होने पर झारखंड में कांग्रेस की नज़र राज्यसभा की 2 सीटों पर कब्जा करने पर होगी। विधानसभा में 30 सदस्यों के साथ झामुमो स्वयं अपनी पसंद के उम्मीदवारों को 81 सदस्य, विधानसभा में 27 की आवश्यक संख्या के खिलाफ राज्यसभा भेज सकता है। सीएम का खदान लीज मामला, चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन के नहीं दी 4 हफ्ते की मोहलत, JMM ने उठाया कदम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज मामले में पक्ष रखने के लिए भारत चुनाव आयोग ने इस 10 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। मुख्यमंत्री ने मां की बीमारी का हवाला देते हुए आयोग से 4 हफ्तों का अतिरिक्त समय मांगा था। यह जानकारी झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी है। आयोग ने सोरेन को 10 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा है था। मामला मनरेगा घोटाला केस से है, परसों 9 और कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद IAS पूजा सिंघल हुई गिरफ्तार।
मनरेगा घोटाला, आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरी झारखंड की खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इससे पहले ईडी ने पूजा सिंघल को किसी भी सूरत में रांची नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था। बता दें कि ईडी की टीम ने मंगलवार को पूजा सिंघल से 9 घंटे और कल बुधवार को 7 घंटे तक लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारियों ने उन्हें बगैर इजाजत रांची न छोड़ने का भी निर्देश दिया था। वहीं ईडी की टीम ने कल यानी बुधवार को एक बार फिर पूजा सिंघल एवं उनकी पति अभिषेक झा को पूछताछ के लिए रांची के ईडी दफ्तर में बुलाया था। इसी पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 करोड़ के धोखाधड़ी केस की आरोपी पूजा सिंघल को ईडी ने किया गिरफ्तार। प्रदर्शन निदेशालय ने आईएएस अधिकारी और झारखंड के खनन सचिव पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 18 करोड़ के मनरेगा फंड के कथित गबन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूजा की जांच चल रही है। इससे पहले पूजा के सीए सुमन कुमार के घर से 17 करोड़ नकद बरामद हुए थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। कर्नाटक सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगाई रोक। लाउडस्पीकर को लेकर देश के कई राज्यों में चल रहे विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहरहाल कर्नाटक सरकार इस दौरान राज्य में अधिकारियों से लिखित अनुमति लिए बिना लाउडस्पीकर या किसी सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा। जोधपुर हिंसा को लेकर नड्डा ने रोमन सम्राट नीरो से की राजस्थान के सीएम गहलोत की तुलना। राजस्थान के जोधपुर से ईद पर हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तुलना रोमन सम्राट नीरो से की है। बकौल नड्डा, जब जोधपुर में लोग सड़क पर थे तो गहलोत साहब अपना जन्मदिन मना रहे थे। जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है और केंद्र व राज्य से कहा है कि आईपीसी की धारा 124A के तहत कोई एफआईआर दर्ज न करें। कोर्ट ने केंद्र को इस धारा के प्रावधानों की समीक्षा व पुनर्विचार की इजाजत देते हुए कहा है कि समीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने तक इस धारा के तहत एफआईआर दर्ज नहीं होगी। कई राज्यों व यूटी में 5 दिनों में हीट वेव और बारिश की चेतावनी सूची हुई जारी। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में 11 से 15 मई के बीच हीट वेव की चेतावनी जारी की है। चक्रवात आसानी के चलते 11 और 12 मई को आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बारिश की अनुमान थी। 11 से 15 मई के बीच असम, मेघालय समेत पूर्वोत्तर में 7 राज्यों में बारिश हो सकती है। सीबीआई ने विदेशी फंड लाइसेंस को लेकर एनजीओ की जांच में 40 जगहों पर की छापेमारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने विदेश योगदान अधिनियम यानी एफसीआर के कथित उल्लंघन को लेकर एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई के 40 जगहों पर छापेमारी की। रिश्वत लेकर अवैध एफसीआर लाइसेंस की मंजूरी देने वाले अधिकारियों और एनजीओ के प्रतिनिधियों के बीच कथित मिलीभगत की जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय के 6 अधिकारियों से कथित तौर पर पूछताछ हुई है। शराब पीने के बाद असर न दिखने पर शख्स ने की आबकारी विभाग से शिकायत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शख्स ने आबकारी विभाग से कथित तौर पर मिलावटी शराब बेचने वाले एक दुकान की शिकायत की है। बकौल शिकायतकर्ता, मैंने दुकान से 4 क्वार्टर शराब की बोतलें खरीदी, फिर मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उनमें से 2 क्वार्टर का सेवन किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आबकारी आयुक्त ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। कोरोना वायरस के बाद टोमेटो फ्लू ने दिया दस्तक, 80 से ज्यादा बच्चे संक्रमित। फूड पॉइजनिंग की हालिया घटनाओं के बीच केरल के कई हिस्सों में एक और वायरस का पता चला है, जिसका नाम है टोमेटो फ्लू। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दुर्लभ वायरल बीमारी ने राज्य में अब तक 5 साल से कम उम्र के 80 से ज़्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। यह संख्या आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।